वेलकम बैक बच्चों, हम लोगों ने हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर के अंदर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या होती हैं या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि इन कर्व्स हमें प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ क्या होगा, साई और साई स्क्वायर को हम प्लॉट करेंगे वर्सेस डिस्टेंस। तो जनरली अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखते हैं, द प्लॉट्स ऑफ साई और साई स्क्वायर एंड द क्रोस्पोंडिंग डिस्टेंस एंड द क्रोस्पोंडिंग डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। कह रहे कि इनके अंदर हम आइदर साई या साई स्क्वायर को प्लॉट करने वाले हैं, किसके फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दो टाइप की हो सकती है, हम बोलते हैं पहले रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इन ए स्मॉल वॉल्यूम और स्पेस, कितने में, डीवी, इन ए स्मॉल वॉल्यूम और स्पेस डीवी इज गिवन बाय इट। तो क्या बोला, हमारा ये न्यूक्लियस है। अब हम न्यूक्लियस से मान लिया कि यहां से यहां पे आर डिस्टेंस के ऊपर हमारी सेल है या सब सेल है या एक ऑर्बिटल है और इसके अंदर ये इतनी दूर तक लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका टोटल साइज इतना है, इस आर वाले का, ये यहां से यहां, लेकिन मैं एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में निकालना चाहता हूं यहां से, और ये डिस्टेंस हो गया डी आर। तो मैं इस आर प्लस डी आर, यानी कि यहां से डिस्टेंस आर हो गया, ये डी आर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आर प्लस डी आर। तो हम इस पूरे एरिया में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस कितने में, स्मॉल यूनिट वॉल्यूम डीवी हो गया इसका, जो वॉल्यूम है कितना बोला, इसका पूरा जो हमने बनाया है इसका वॉल्यूम डीवी है, और इसके अंदर जो डिस्टेंस है ये क्या है, डीआर डिस्टेंस है, यहाँ पर कंप्लीट जो डीआर डिस्टेंस होगा थ्रू आउट, तो हम इस यूनिट वॉल्यूम में निकालना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं, देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं साई स्क्वायर, तो हम साई स्क्वायर को प्लॉट करते थे, लेकिन अब रेडियल प्रोबेबिलिटी आ गया, क्या हो गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी होता है कि साई स्क्वायर को आप डीवी से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि स्मॉल यूनिट वॉल्यूम में आप निकालना चाहते हो और वो कितना है, डीवी। तो इसका मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है इस पूरे एरिया का, वो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास डीवी। तो अब जब हम साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को डीवी से मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास आ जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी, कि हमारे पास आर डिस्टेंस के दूरी पे एक डीवी वॉल्यूम में कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, उसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करें, डिफरेंट डिस्टेंस।
अब यहां से अब हम डीवी की अगर वैल्यू पुट अप करें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे एक स्फेयर टाइप बन गया हमारे पास, तो इसका जो वॉल्यूम निकाला हम लोगों ने डीवी वो किसके को लाता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहां से क्या हो गया साई स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस वाले का वर्सेस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कि हमारे डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कैसा ग्राफ आएगा। तो ये होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा ही एक और होता है हम बोलते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो हम क्या बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज गिवन बाय इट, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को जो प्रोबेबिलिटी होती है निकालने की, उसको हम किससे निकालते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं देखो, लेकिन आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि अब जो रेडियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है यहां पर, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी हमारे पास, क्या कि अगर साई स्क्वायर अगर वैल्यू ज्यादा है मेरे पास, साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसे ही जो मेरा डीवी की वॉल्यूम है, अगर डीवी कम होगा तो ओवरऑल अगर ये कम होगा तो जो ये बड़ी वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी कम आ जाएगी हमारे पास। देखो क्या हुआ, देखो अगर हमने बोल दिया कि साई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 है और जो डीवी है डीवी कम वैल्यू आ गई, डीवी की वैल्यू 1 है, अगर 1 होगा तो 1 × 3 या 1 × बोलते थे साई स्क्वायर की 300 वैल्यू है तो कितना आएगा 300। वेरी गुड। अगर डीवी ज्यादा कर दिया हम लोगों ने कर दिया 10 × ये किसकी वैल्यू है 300 तो कितना हो गया 3000। तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है अगर डीवी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर बाय चांस अगर हमने बोल दिया 0.1 वैल्यू है डीआर या डीवी की हमारे पास डीवी की, तो 300 कितना हो गया 30। तो देखो हमारी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी आती है रेडियल प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है अगर दोनों के अंदर से कोई भी एक कम होने लग जाए, आइदर साई स्क्वायर की वैल्यू कम आ जाए या इस डीवी, या हम बोल सकते हैं क्योंकि डीवी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर डीआर, अगर आप डीआर को कम करने लगोगे तो ओवरऑल ये डीवी की वैल्यू कम होने लग जाएगी। अगर आपने लिखा 0.01 × 300 तो कितना आ जाएगा हमारे पास केवल यहां पे 3। तो देखो कम होने लग गया। तो अब आपने ध्यान रखना है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी में अगर या तो आपकी वैल्यू, अब ये क्या माना था हम लोगों ने 300 था, ये 1 थी, अगर ये 1 है ऊपर 1 है और मैं साई स्क्वायर की वैल्यू कम कर देता हूँ 30 कर देता हूँ तो ओवरऑल फिर क्या हो गया 30। कि इन दोनों टर्म्स के अंदर से अगर एक भी टर्म डिक्रीज होती है, एक वैल्यू कम होती है इधर डीवी, क्योंकि डीवी डिपेंड करता है कि डीआर कितना, ये यूनिट वॉल्यूम का डिस्टेंस है, कितने एरिया में मैं निकालना चाहता हूं वहां पर, अगर ये कम होने लगेगा हमारे पास तो हमारी वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या नहीं लग जाएगी कम। और ये जो आर 4 पाई आर स्क्वायर डीआर, देखो क्योंकि जो आर है ये क्या है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और R की वैल्यू भी जितनी कम होगी, यानी कि देखो DR तो कम होगा ही होगा, एक कम यूनिट वॉल्यूम में निकाल रहे, अगर R की वैल्यू कम है इसका मतलब मैं न्यूक्लियस के जितनी पास निकालूंगा उतना ही R कम होगा और जितना R कम होगा हमारी ये रेडियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम आए। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ्स को, जैसे हमारे एग्जाम में आएगा कि हम कैसे डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समझना था कि रेडियल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, दोनों में से एक टर्म डिक्रीज होए, अगर आप R को डिक्रीज करोगे आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हम प्लॉट्स बनाते हैं अभी। देखो कैसे बनाना हम लोगों ने, इधर हमने लिखा 1s ऑर्बिटल 1s, इधर लिख देते हैं 2s, टू पी, 3s, 3p एंड 3d। ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए।
अब आपको हम बना रहे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। और जब हम अब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहे हैं, तो हमें रेडियल वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो हम क्या बना रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बना रहे हैं, तो 1s है, तो अब हमें रेडियल वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर हमें रिक्वायरमेंट है रेडियल वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट। और यहां पर हम नॉर्मली अब आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल वेव फंक्शन को, लेकिन मैं इसको यहां पे साई से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हमने जो रेडियल वेव फंक्शन लिया है वो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर साई में केवल एक ही टर्म है, हमारे पास कोई एंगल वाली टर्म नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो अब जब हम 1s के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो देखो ये 1s इधर लिख दिया थोड़ा सा नीचे। अब आपको पता है कि हमारे रेडियल नोड्स कितनी होते हैं। देखो इन प्लॉट बनाने के लिए आपको रेडियल नोड्स की रिक्वायरमेंट होगी, रेडियल नोड्स ये होती है हमारे पास n माइनस एल माइनस वन। तो देखो यहां पर n, इसी में यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा बनाने में। तो n की वैल्यू कितनी है 1, एल की वैल्यू कितनी है इसके लिए 0, कितनी है माइनस वन, तो कितनी आ गई 0। यानी कि यहां पे रेडियल नोड होगी ही नहीं, हमारा जो ऐसा कोई एरिया मिलेगा ही नहीं यहां पर जहां पे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की वो 0, या हमारा रेडियल वेव फंक्शन की जो साई की वैल्यू क्या हो 0। यानी कि यहां पर ऐसा कोई भी एरिया नहीं मिलेगा, ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा इस प्लॉट के अंदर जहां पे साई की वैल्यू कैसी हो 0। फिर 2s में देखो 2 माइनस 0 माइनस 1 कितनी 1 रेडियल नोड, एक रेडियल नोड आएगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, यहां पे जहां पे साई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साई 0 तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं साई स्क्वायर बनाते हैं। अब 2p में क्या होगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना 0, कि इसके अंदर भी हमारे पास कोई रेडियल नोड नहीं आएगी, रेडियल नोड। अब 3s में क्या होगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितनी 2 रेडियल नोड्स, कि दो पॉइंट आएंगे जहां पे साई की वैल्यू 0 होने वाली है। 3p में क्या होगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितनी 1 रेडियल नोड। और 3d में 3 माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2, तो कितनी आ गई 0। अब देखो सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाते हैं, हम बोलते हैं केवल वेव फंक्शन का वर्सेस डिस्टेंस r, ऐसा। जो ग्राफ आपके पास आ रहा है वो साई का आ रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से जीरो से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इधर साई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये साई क्या है, एक्चुअली रेडियल फंक्शन है हमारे पास साई। अब देखो 1s ये ऐसा ही क्या होगा हमारे पास 2s, इसको r को भी बाद में लिख देंगे, साई की वैल्यू इंक्रीज, फिर 2p के लिए साई की वैल्यू ऐसा, 3s साई की वैल्यू फिर इंक्रीज, और लास्ट में 3d साई की वैल्यू इंक्रीज, सभी में rs है। और अब देखो साई बना रहे हैं, यानी कि वेव फंक्शन बना रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ आता है ऐसा आता है कि पहले बिल्कुल ज्यादा वैल्यू पैरेलल जाता है इसके, और ये इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ। ये आपने दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस पे अगर हम बात करें तो r की वैल्यू कितनी होती है न्यूक्लियस पे, r इज इक्वल्स टू 0, इस न्यूक्लियस पे डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है 0। बुक्स में क्या हो जाता है कि इसको टच कर देते हैं लाइन के साथ, देखो अगर ये लाइन इसके साथ टच हो गई, इसका मतलब हमारी ये साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब
आपकी साई की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आ गया हमारे पास जहां पर हमारा रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो है। अगर रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो गया किसी पॉइंट पे तो वो होता है नोड। इसका मतलब मेरे पास यहां पे एक नोड आ जाएगा, लेकिन 1s में तो हमने देखा कोई रेडियल नोड होता ही नहीं है। अब इसी के लिए क्या हो गया, इसलिए ये लाइन टच नहीं होती, इसके बिल्कुल पास से जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1s होता है हमारे पास, जब आपने देखा एक टाइप से जब हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस के पास में ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, ऐसा कि न्यूक्लियस के पास ही 1s होता है और उसके पास ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और जैसी डिस्टेंस हो सब बढ़ता है न्यूक्लियस से जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होने लग जाती है हमारे पास। तो यहां पर ये टच नहीं करता, याद रखना है, टच हो गया तो साई जीरो, साई जीरो तो मेरे पास एक नोड आएगी लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर क्या हुआ, डिस्टेंस आर के साथ ये भी इधर टच नहीं करेगा। अगर ये टच कर गया तो अगर बाई चांस मान लेते कि इस पॉइंट को आप टच करवा दोगे, टच करवाने से का मतलब इस डिस्टेंस पे आपका साई फिर जीरो, साई जीरो तो मेरे पास इस पे वेव फंक्शन जीरो रहेगा, तो इसका मतलब वहां पे वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, रेडियल वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वहां पर कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई डिस्टेंस होता ही नहीं जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या उसका वेव फंक्शन क्या आ जाए, जीरो। क्योंकि रेडियल नोड्स हमने लिखा था कि रेडियल दीज आर द एरिया वेयर रेडियल वेव फंक्शन बिकम्स जीरो। अगर ये रेडियल वेव फंक्शन बिकम्स जीरो आ जाता है, इसका मतलब वहां पे क्या है, एक रेडियल नोड है, और यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, जीरो। तो ऐसा नहीं होता, याद रखना, ना यहां पे टच होगा और ना ही यहां पे टच होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड ग्राफ आता है, हम किसका बनाते हैं, देखो ये तो साई के साथ था, फिर ऐसा ही हम बोलते हैं साई स्क्वायर, और यहां पे आर इंक्रीज हो रहा है। देखो साई स्क्वायर का मतलब, अब ये जो ग्राफ बनाएंगे इधर, ये सारे के सारे ग्राफ होंगे हमारे पास, ये तो वेव फंक्शन साई का है, यहां पे साई स्क्वायर क्या थी, प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख दो, दोनों ठीक है कि प्रोबेबिलिटी का बनाते हैं। अब ये क्या बताता है कि जो भी साई की वैल्यू आपकी यहां पर आई, इसको स्क्वेयर करोगे तो, अरे साई की वैल्यू को स्क्वेयर कर दोगे तो अप आ जाएगी, तो ये पॉइंट है यहां पे, इसकी वैल्यू डबल कर दोगे ज्यादा, तो ये जो लाइन बिल्कुल पास थी इससे थोड़ी सी दूर आ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू सबकी क्या हो जाएंगी, डबल। तो ये ऐसा ग्राफ है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1s के लिए, तो ये दूसरा क्या, प्रोबेबिलिटी का है। अब लास्ट में, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास बच्चे, और लास्ट में हमारे पास आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस, इस तरीके से रेडियल प्रोबेबिलिटी को हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। देखो जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी को यहां पर करते हैं यहां पर, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या आता है, साई स्क्वायर की साइड में साई स्क्वायर इंटू डीवी, या इस डीवी को हम क्या करते थे, अब साई स्क्वायर इंटू 4πr² dr, इसका ग्राफ जब हम आर के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब इसको लास्ट में बनाएंगे। अब देखो, अब ऐसे ही 2s का हम लोगों ने किया, तो 2s के लिए आपके पास 1 रेडियल नोड आ गई। अब यहां पे बनाते हो तो याद रखना कि ये इसको टच नहीं करता, ये बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू यहां पर रहती है, और इसके बाद ये धीरे धीरे इसको क्रॉस करता है और ये इस तरीके से दिखाता है, और यहां पर ऊपर टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करवाना इसको यहां पर, ये ऐसा पास में जाके, अब यहां पर ये आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो क्या हो, यहां पर साई की वैल्यू मैक्सिमम है, देखो क्यों है, क्योंकि साई वैल्यू मैक्सिमम है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम तो प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है, इसलिए तो हमारी न्यूक्लियस के पास जो 1s की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है न्यूक्लियस के पास, इसलिए यहां पे साई की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब यहां पर ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे आर किसी पॉइंट है, लेकिन इस आर के ऊपर साई भी तो जीरो है यहां पर, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू भी जीरो और साई की वैल्यू भी जीरो, तो यहां पर हमारे पास साई इज इक्वल्स टू जीरो इस डिस्टेंस के ऊपर आ गया, तो यहां पे रेडियल वेव फंक्शन कितना हो गया, जीरो। अब देखो क्या हो,
यहाँ पे नहीं हो सकता जीरो, अगर यहाँ पे जीरो हो जाता तो इसका मतलब एक रेडियल नोड यहाँ पर, एक रेडियल नोड यहाँ पर, दो रेडियल नोड आ जाती है, लेकिन हमारे पास कितनी आ रही है, वन, और ये न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये साई की वैल्यू है ऐसा, और ये क्रॉस नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, टच किया जाता तो एक नोड और आ जाती, अरे दो नोड बन जाती, लेकिन हमारे पास कितनी आती है, वन नोड आती है। इसका मतलब ये एक नोड है या टच करके यहाँ तक वेव फंक्शन है। जब हम इसका साई स्क्वायर और ये बनाएंगे तो देखो क्या बनता है, ये साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो है ही हमारे पास, तो ये तो देखो इंक्रीज होगा ही होगा इस तरीके से, ये वैल्यू आ गई, टच हो गया इस पॉइंट के ऊपर आके, इस पे जीरो तो साइज जीरो तो साइज स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो। लेकिन जो ये नेगेटिव वैल्यू अगर हम दिखाएं, क्योंकि नीचे की तरफ कैसा है, अगर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू तो नीचे कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि साई की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही सकती है। इस तरीके से हम दिखाते हैं साई, एक ऐसा दिखाते हैं वेव, तो एक प्लस और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल साई दोनों डायरेक्शन में होता है, तो ये वैल्यू। तो अब यहां से जो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर करूं तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अब ये ऐसा स्क्वायर करने से ऐसी वैल्यू आती है, और अब ये ऐसा टच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, और इस एरिया को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, जीरो। एक्चुअली साई हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये ग्राफ बनाता है, लेकिन इससे मेरे को पता चलता है कि किस डिस्टेंस पे वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो है। जब इसको स्क्वेयर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी, लेकिन ये बता देता है जहां साई जीरो है वहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो कैसी होगी, जीरो। तो इसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इन ग्राफ्स का। जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है हमारे पास कैसे हैं, ये साई स्क्वेयर या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले। अब क्या हुआ, 2p, यहां पे भी हमारे पास क्या हो गई, 2p के अंदर आ गया, जीरो रेडियल नोड्स आ गए बच्चे, देखो 2 - 1 - 1। अब यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं ऐसा, और इसको यहां पे टच नहीं करवाते, यहां पे क्या हो रहा है, r इंक्रीज, देखो क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये टच नहीं कर रहे थे, ऊपर से आ रहा था, लेकिन 2p के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं साई, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे ये क्या था, न्यूक्लियस, और हमें पता है अगर हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पर न्यूक्लियस के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वहां पर, अरे कोई वेव ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, ये हम पहले डी ब्रोगली ने भी प्रूव कर दिया था, और ये किसने प्रूव किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो न्यूक्लियस के अंदर कोई वेव भी नहीं है, अगर वेव नहीं है तो उसका वेव फंक्शन भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वेव नहीं करेगा इसका मतलब वो किसकी वैल्यू को आ जाएगी, साइज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर मेरी साई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन या वेव एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब ये इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ तो लेकिन ये टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे रेडियल नोड कितना था, जीरो, कोई पॉइंट ही ऐसा नहीं था। अब आप जब इसका स्क्वायर बनाते हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसकी तो हमें केवल हमें वैल्यू पता चलती है साई का ग्राफ कैसा होता है, तो अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो सभी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये पॉइंट अगर मान लिया ये वैल्यू वन है, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, फाइव, तो वन की क्या हो जाएगी, टू, टू की फोर, थ्री की नाइन, फोर की सिक्सटीन, यानी कि ग्राफ ऐसा ही आएगा लेकिन वैल्यू बढ़ जाएंगी हमारे पास ये आर के रिस्पेक्ट में। तो ये प्रोबेबिलिटी है। 3s, देखो टू रेडियल नोड्स, यानी कि दो जगह पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जीरो, यानी कि वहां पे साइज जीरो आने वाला है, तो कैसे ये आर इंक्रीज था, तो फर्स्ट क्या हुआ, ये यहीं से बनाते हैं ऐसा, ये ऐसा हुआ, ये टच होगा क्रॉस करके ऐसा, इस तरीके से। देखो अगर आपने 3s बनाया तो 3s में आपको पता चला कि यहां पे टू पॉइंट्स हो गए जहां पे ये इसको क्रॉस कर रहा है, अगर टू पॉइंट्स पे क्रॉस कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, क्योंकि यहां पे तो साइज जीरो है, क्योंकि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो साइज जीरो, आर जीरो पे, तो ये ऐसा ग्राफ आ गया। तो अब ये जो वैल्यू यहां पर दो पॉइंट्स पे ऐसा है, दो डिस्टेंस पे साई की वैल्यू जीरो, साई नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपने जब 3s का बनाया था तो डायग्राम कैसा बनाया था 3s का, पहले न्यूक्लियस, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर ये 2s वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
और उसके बाद किसकी थी, 3s वाली। तो आपने दो रेडियल नोड्स बनाए थे ना, एक ये वाला रेडियल नोड, एक ये वाला। तो ये दो पॉइंट हो गए कि किस किस डिस्टेंस पे दो रेडियल नोड्स हैं यहाँ पर। और ये पता चलता है जब हम ये बनाते हैं, तो जब हमने क्या किया, साइज स्क्वायर का ग्राफ बनाया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव है ही हमारे पास, इस तरीके से ये वैल्यू है ही, ज़्यादा आ गई। इस पॉइंट पर ये नेगेटिव है, तो ये फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर ये इंक्रीज होके ऐसा, लेकिन टच नहीं करेगा आगे। तो दो पॉइंट्स हैं जहां पे साइज स्क्वायर कैसा हो जाएगा, जीरो। यानी कि यहां पे प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, जीरो। फिर इसके पास है 3p। देखो 3p में हमारे पास क्या आ गई, वन रेडियल नोड। इसका मतलब है कि ये 3 यहीं से स्टार्ट होगा, जितने भी एस वाले को हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पी और डी वाले को यहीं न्यूक्लियस से। तो ये यहां से ऐसा गया, एक क्रॉस होगा और ये ऐसा, यानी कि केवल एक ही आर ऐसा इंक्रीज हो रहा है। तो एक ही पॉइंट ऐसा है एक डिस्टेंस पे जहाँ पे साई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आर जीरो है तो साई जीरो है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब इसका जब हम स्क्वेयर करके बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो कैसे बनाते हैं, साई स्क्वेयर इंक्रीज आर के साथ हम बनाएंगे। तो अब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इस तरीके से हमारे पास, टच नहीं करवाना ये ऐसा। लास्ट में क्या है, 3D। 3D में भी क्या है हमारे पास, जीरो रेडियल नोड्स। तो 3D भी हम साई यहां से स्टार्ट किया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 3D में, लेकिन अब इसको हम टच नहीं करवाते। तो ये R के रिस्पेक्ट में था, जब हम स्क्वेयर करेंगे तो 3D वाले का साई स्क्वेयर और ये R इंक्रीज, तो वैल्यू बढ़ जाएंगी इस तरीके से, सारे के सारे ग्राफ से। यानी कि जो जो वैल्यू साई की थी उससे डबल वैल्यू हमारे पास यहां पर दिखाई देती। अब आपने सब इंपॉर्टेंट आ गया रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, क्योंकि इसमें क्या बोला था, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। तो डिफरेंट डिस्टेंस पे फ्रॉम न्यूक्लियस ये क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो हमने बोला था इसके अंदर ये साई या साई स्क्वायर के क्या है, प्लॉट है। तो जनरली ये प्लॉट हमें कोई काम के नहीं है, हमें साई पता होना चाहिए तभी हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब दो चीज़ें ध्यान रखनी, देखो हमारे पास साई की वैल्यू ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी डिस्टेंस आर पे भी तो डिपेंड करती ना ये वैल्यू, रेडियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू स्मॉल हुई हमारे पास, आर की वैल्यू क्या हुई, स्मॉल हुई। अगर आर की वैल्यू स्मॉल हुई तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, स्मॉल। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्यों, अगर हमने बोल दिया साई स्क्वायर 300 है और मैं पहले आर की वैल्यू मेरे पास 1 थी तो मेरे पास आंसर 300 है। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि जो आर की वैल्यू मेरे पास 0.1 आ जाए, आर की वैल्यू 0.01 आ जाए, तो अब आर स्क्वायर तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या आएगा, 0.0001, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0001, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.03। देखो कितना कम आंसर आ गया। तो यहीं पे बोल रहे हैं क्या, क्योंकि ये जो साई वाला था देखो, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के इस लाइन के पास चला जाता है जो हमारी एक्सिस थी, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल पास जा रहा, टच नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट था हमारे पास, ये साई की वैल्यू इस पे आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, लेकिन ये न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा है। देखो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के पास होगा तो इसकी आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम। क्योंकि अगर हम डिस्टेंस को देखें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के कितने डिस्टेंस पे साई है हमारे पास, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बता देगा। क्या बता देगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हुआ, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ी रही है। तो यहाँ पे जो ये साई की वैल्यू, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल जो आर यहाँ पे साई की वैल्यू, ये पॉइंट आया साई स्क्वायर एक्चुअली में दिख दूर रहा है, लेकिन ये वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आर आएगा वो बिल्कुल पास आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इससे इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये थोड़ा इंक्रीज होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि बिल्कुल आर 0.001 पे, यहाँ पे आर की वैल्यू है 0.0001 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतने पे है हमारे पास, इतनी बिल्कुल न्यूक्लियस पे तो आते जीरो हो जाएगा। तो यह 0.00 किया, 0.01 लिख दिया, कितने डिस्टेंस पे, 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग पे,
न्यूक्लियस के इतनी दूरी पे ही आर, तो साई की वैल्यू यहाँ पे 20 है, साई की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, डिस्टेंस तो मेरा यहाँ पे क्या था 0.01 ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 20 × 20 कितनी हो जाएगी 400, तो जो वैल्यू है बच्चे यहाँ पर वो वैल्यू साई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी साई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 400, लेकिन आर तो मेरे पास क्या रहेगा 0.01, यानी कि जो यहाँ पे बिल्कुल पास दिख रहा है यहाँ पर भी दिखने में आपको दूर दिखाई दे रहा है लेकिन ये इसके पास ही है, केवल साई की वैल्यू बढ़ रही है उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। ऐसा कर सकता हूं मैं ऐसा प्लॉट, तो यहां पर आर की वैल्यू कम है, अगर आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो देखो क्या था, अरे आंसर बहुत कम आ जाएगा, तो न्यूक्लियस के पास बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आर इज वेरी क्लोज टू जीरो या नियरली जीरो, तो ओवरऑल अब हमने क्या किया इस साई स्क्वायर की वैल्यू जो कि 400 या 300 थी अभी, अगर मैं उसको अगर ये 0.01 से 0.001 हो जाता तो इसका आंसर 0.00 और भी कम आ जाता, तो इसका मतलब है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये वैल्यू ऐसे आ जाती है हमारे पास। देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये 0.0 टच हो जाता है यहां पर, क्योंकि ये क्या था ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है 5² dB, यहां पे आर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी ग्राफ बना रहे हो बच्चे तो यहां दिखने में आपकी वैल्यू ज्यादा है, साई स्क्वायर तो ज्यादा था लेकिन आर न्यूक्लियस के बिल्कुल पास बहुत कम है, यानी कि वो जीरो के अगर हमने बोला 0.001 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा कम, अगर हम किसी बड़ी टर्म को छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बिल्कुल नियरली क्लोज टू जीरो, तो यहां पर हमारी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी आएगी वो कैसी हो जाएगी जीरो। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे हमारे पास कि जैसे जैसे साई स्क्वायर तो कम हो रहा है, साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन क्या होगा देखो टाइम के साथ साथ ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे इनिशियली क्या था, देखो इनिशियली साई स्क्वायर कैसा था हाई वैल्यू थी, आर की वैल्यू कैसी थी लो या कम थी, वैल्यू कम थी, फिर क्या हुआ इसलिए हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरी लो लिख सकता हूं, तो मेरे पास वेरी लो आंसर आ गया, क्योंकि लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ साई की वैल्यू थोड़ी कम होने लग गई, धीरे धीरे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई इंटरमीडिएट, और हमारे पास साई आर भी कैसा हो गया इंटरमीडिएट, अगर दोनों को इंटरमीडिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी इंटरमीडिएट, ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी इंटरमीडिएट। अब लास्ट में क्या हुआ यहां पर देखा तो साई की वैल्यू तो थोड़ी कम है लेकिन आर तो बढ़ गया ना, अरे इतनी कम नहीं हुई, साई की वैल्यू कम हो रही है लेकिन आर की बढ़ रही है, तो ओवरऑल एक वैल्यू जब यहां पे था तो आर की वैल्यू भी ठीक थी और साई की वैल्यू भी ठीक थी, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट हमें मिला, और उसके बाद हमारा आर बढ़ रहा है लेकिन साई कम हो रहा है तो ये वैल्यू फिर से क्या होने लग गई डिक्रीज होने लग गई, लेकिन इसको टच नहीं करें, तो आपने ये याद रखना है कि इस केस में हमारे पास साई ज्यादा है लेकिन आर कम था, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल जीरो के आसपास, फिर धीरे धीरे साई स्क्वायर कम हो रहा है लेकिन आर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे जाके ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को कि जिसके ऊपर साई भी इंटरमीडिएट हो रही, और उसके बाद आर कम होने लग गया, उसके बाद आर कम आर इंक्रीज होने लगेगा साई स्क्वायर कम तो ये वैल्यू डिक्रीज। अब यहां पर देखो फिर दोबारा से कैसा ग्राफ आएगा सेकंड केस में, ये आर के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है 4πr² dr × साई स्क्वायर, देखो साई ज्यादा है लेकिन ये साई किसके पास था, अरे आर की वैल्यू तो बहुत कम है यहां पे, क्योंकि ये डिस्टेंस ऐसा अगर हम बनाए तो ये न्यूक्लियस से ऐसे पास से ही बनाते हैं, वैल्यू बढ़ती है लेकिन डिस्टेंस नहीं, तो यहां पर इनिशियली जब साई ज्यादा है ऊपर वाले केस की तरह आर तो बहुत ज्यादा कम है, ओवरऑल मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कैसी आएगी कम आएगी, और अब ये धीरे धीरे ये कम होने लग गया आर बढ़ने लग गया, तो हमारे पास क्या आएगा ये ग्राफ ऐसा आएगा कि ये ऐसा बढ़ेगा, फिर इस पॉइंट के बाद ये वैल्यू बढ़ रही, अब देखो क्या हो गया इस पॉइंट से जब ये इंक्रीज होने लग गया तो मेरा डिस्टेंस भी इंक्रीज होने लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इस पॉइंट पे आर 2 है तो यहाँ पे 2.1 2.3 2.5 या 2.7 तो आर भी बढ़ गया और साई भी बढ़ गया, अब ओवरऑल जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और बड़ी पीक आएगी, और इस तरीके से क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारा आर भी इंक्रीज हो रहा है और साई स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था डिक्रीज, तो ये डिक्रीज ये ऐसा कम वैल्यू थी हमारे पास, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, क्यों हो रही थी क्योंकि आर की वैल्यू धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रही है इंक्रीज,
ये ऐसा। फिर अगर हम इसका बनाएं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर, किसके लिए ये अब हम बना रहे हैं, 2p के लिए। तो सेम देखो यहां पे जीरो है, अरे स्क्वायर इंटू डी आर, आर वैल्यू तो ये तो क्या रहेगा जीरो, तो ओवरऑल इसका जो ग्राफ रहेगा वो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस हाँ पॉइंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अरे साई जीरो आर जी तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे आर बढ़ गया साई बढ़ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा ही ग्राफ आने वाला है। फिर यहां पे ये आर इंक्रीज ये इंक्रीज, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर आर इंक्रीज ऐसा। अब देखो क्या हुआ, अरे ये इंक्रीज हो रहा है ठीक है, लेकिन यहां पर साई की वैल्यू थी लेकिन आर की वैल्यू कम है, तो ये दिखने में बड़ा है फिर छोटा है फिर ये लास्ट में, अगर हम इसको बनाएंगे तो ये देखो पहले वाला छोटा बनता है फिर इससे बड़ा और लास्ट में इससे बड़ा, ऐसा टच नहीं होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहां पर इनिशियली देखो क्या था, साई बड़ा है, साई तो यहां पर हाई है जिसकी ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन आर कैसा है कम है जिसकी वैल्यू लेस है, लेकिन इसलिए ओवरऑल जब आर कम हो गया ज्यादा कम है तो वैल्यू मेरे पास कम होने लगेगी, लेकिन इस पॉइंट पे जाके देखा तो आर ज्यादा बढ़ गया, साई तो कम है लेकिन आर के अंदर जो इंक्रीज हुआ वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, अरे एक कम डिक्रीज हुआ, एक 3 से 2 आया लेकिन एक 1 से 10 इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा। तो ये ग्राफ आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसके लिए, 3s ऑर्बिटल्स के लिए। 3p में क्या हुआ देखो सेम ऐसा है, तो 3p के लिए आप क्या बनाते हो, सेम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर इंक्रीज आर, तो कितने एक पॉइंट पे ही है, तो ये पहले वाला छोटा आएगा फिर ये बड़ा है, क्योंकि यहां पर r डोमिनेट कर रहा है क्योंकि साई की वैल्यू तो कम इंक्रीज हो रही है लेकिन r ज्यादा बढ़ गया, तो ओवरऑल हम ऐसा दिखाते हैं, इसका अपोजिट दिखाना है हम लोगों ने। लास्ट वाला ये बिल्कुल सेम ऐसे कैसे आएगा, आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर सेम ऐसा वैल्यू बड़ा। तो ये थे हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब पेपर में आता तो आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसके अंदर बच्चे आप एक पॉइंट और दिखा सकते हो क्या, अगर आपको 2s 2p का इकट्ठा बनाने के लिए आ जाए, देखो एक्सप्लेन करते हैं कैसे, अगर हम इकट्ठा दिखाएं इनको तो इकट्ठा कैसे दिखा सकते हैं, इधर ही बनाता हूं देखो, एक हमारे पास है ऐसा, अब कंप्लीट 2s जो था हमारे पास के एल एम सेल था, के अंदर तो 1s ही आता है, ये 2s 2p किस में आते हैं, के सेल में के एल में के एल, ये किस में आते हैं एम सेल में के एल एम एन, तो मैं एल सेल बनाऊं तो एल सेल के अंदर हमें पता था इसमें क्या होता है एस और पी, आप क्या बोलोगे एस और पी सब सेल, और या उस एस और पी सब सेल को हमने बाद में एस और पी ऑर्बिटल बोला हुआ है, अरे क्योंकि इसमें 3p ऑर्बिटल है, इसमें एक एस का एक ही ऑर्बिटल है तो आप ऑर्बिटल बोल दो, इसका मतलब इसमें क्या हो गया एक एस और एक पी ऑर्बिटल है, और पी के अंदर तो अरे क्लासिफाई किया ना उसकी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पी एक्स पी वाई या जेड डायरेक्शन में है, लेकिन है तो पी ऑर्बिटल जिसको हमने एक टाइप से सबसेल बोला था। अब देखो जब हम बनाते हैं तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास इस 2s से बनाने से पहले हमारे पास क्या सेल आता है, ये यहाँ पे क्या आता है के सेल आता था, तो के सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, अगर पास होता है तो यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियस जो ये बनाए हम लोगों ने तो इसकी वैल्यू ऐसे आती ज़्यादा, ये ऐसा, तो ये प्रोबेबिलिटी कर्व हो जाएगी किसकी 1s की, तो ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहां पे r। अब मैं 2s और 2p को बनाना चाहता हूं, तो देखो 2s का ऐसा है 2p का ये वाला, जब हम 2s और 2p को बनाते हैं तो देखो ये दिखने में अब कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, पीक हम दिखाएं तो इस तरीके से जाता है हमारे पास, तो यहां से न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ ये भी तो यहां से हमारे पास ये 2s ऐसा आ जाता है, ये आ गया 2p और 2s में क्या हो गया ये इस तरीके से ऐसा एक पॉइंट और फिर ये इससे ऊपर
2s। देखो अगर PD अगर 3s 3p 3d है तो 3s यहां पे लास्ट में P का आएगी, फिर 3p की आएगी और सबसे पहले क्या आएगी 3d की, और हाइट ऐसी हमारे पास चली जाएगी। अब उसको बनाया नहीं है, उसको लास्ट में बना के देख लेंगे एक बार। तो क्या हुआ देखो, ऐसा बनाते हैं हम लोग। इससे क्या पता चलता है बच्चे कि अगर हम देखें तो 2p ऑर्बिटल का जो पीक है, 2p जो ऑर्बिटल है इसकी जो पीक है, पीक इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, पीक इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको पता था कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ये न्यूक्लियस था, हमने देखा जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आर बढ़ता है हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखो इफ इसकी पीक यहाँ पर, ये इसका मतलब हमारी 2s की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, 2p की एनर्जी कम होनी चाहिए थी। अगर हम पॉइंट बनाए इसके अंदर कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्या लिखना पेपर में आ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द पीक ऑफ 2p ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। द पीक ऑफ, फर्स्ट पॉइंट का लिखेंगे, द पीक ऑफ 2p ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस compare to 2s orbital, therefore it should have less energy, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमने किया था जब हम प्रिंसिपल काउंटर नंबर किया था कि 1s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2p की, 2p की ज़्यादा, तो इसका मतलब ये दूर होना चाहिए, 2s पास में होना चाहिए, ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने लिखा था, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन अब ग्राफ देखा तो 2p कम आ रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम, क्योंकि हमें पता है कि जितनी पास आएगा उतनी एनर्जी कम, जितनी दूर उतनी एनर्जी ज़्यादा, ये पॉइंट हम बता चुके हैं। तो अब ऐसा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा होता है इन एक्चुअल ऐसा होता है। तो इसका रीज़न क्या दिया, देखो इसका सेकंड पॉइंट हम लिखते तो क्यों है, क्योंकि देखो इस 2s वाले में बेशक से पीक ज़्यादा दूर है, इसका एक हम्प है, ये दिस इज हम्प, एक छोटा सा हम्प बोल सकते हैं, हम्प HUMP, बट क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल देयर इज ए स्मॉल हम्प Closer to nuclei। इसका न्यूक्लियस का मतलब क्या है, यानी कि 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर भी प्रोबेबिलिटी है, देखो 2s वाले की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, लेकिन अंदर है तो ना प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2p की कम है लेकिन हमारी 2s की ज़्यादा, इस पॉइंट पे भी, इस डिस्टेंस के ऊपर भी, जब हमारा ये r इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं एक पॉइंट बना दूँ इस r के ऊपर, ये प्रोबेबिलिटी 2p की कम है लेकिन 2s की ज़्यादा है। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल देयर इज ए स्मॉल हम क्लोजर टू न्यूक्लियस, इट मींस they will spend some time near to nucleus by penetrating 1s orbital। देखो क्या हुआ, क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल वाला था, तो कह रहे हैं कि जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं 1sl को, यानी कि ये 1sl थी इसके अंदर क्या थी 1s, इसके अंदर क्या थी 2s और 2p, तो कह रहे हैं जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है कुछ टाइम के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इस 1s वाले को भी पेनिट्रेट करके थोड़ा न्यूक्लियस के पास चले जाते हैं। देखो ये पास में आ गया, क्योंकि ये 1s के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है वो पेनिट्रेट कर लेते हैं 1s ऑर्बिटल को, और उसकी वजह से वो न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, कंपेयर टू 2p ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इन्होंने पेनिट्रेट, इसलिए हम बन गया, हेंस बाय पेनिट्रेटिंग 1s ऑर्बिटल एंड हेंस अब क्या बोला, देखो अब वो कुछ टाइम न्यूक्लियस के पास करेंगे, न्यूक्लियस के पास वही आ सकता है जिसकी एनर्जी क्या होगी कम, इसका मतलब क्या हो गया, एंड हेंस दे विल हैव लेस
एनर्जी कंपेयर टू टू पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्बिटल कंपेयर कर रहे हैं ये ऑर्बिटल है, लेकिन ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यही बोल रहा है बच्चे, इस तरीके से हम बनाते हैं कि जो 2s और 2p वाले हैं ऐसे 3s 3p 3d बनाएंगे। तो जो 3s वाले इलेक्ट्रॉन है, देखो 3s वाले में क्या हो जाएगी, देखो इसमें एक ही कोई हम्प नहीं, इसमें एक हम्प, इसमें 3s में कितनी, 2। तो ये भी क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे 3s वाले 2s वाले को, पेनिट्रेट करके अंदर तक आ जाएंगे सेकेंड वाले 2s 2p को, और हमारे पास क्या करेंगे, दे विल स्पेंड सम टाइम नियर टू न्यूक्लियस बाय पेनिट्रेटिंग 1s ऑर्बिटल्स। अब उसकी वजह से उनकी एनर्जी कुछ टाइम के लिए जो पेनिट्रेट करते हैं वो कम हो जाती है। अगर वो कम हो गई तो हमारे पास ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है कंपेयर टू 2p। इसीलिए हमने बोला 2s की एनर्जी कम होगी किसके कंपैरिजन में, 2p के कंपैरिजन में। अपोजिट क्यों, क्योंकि 2s वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, पेनिट्रेट कर पाते हैं, और उसकी वजह से एनर्जी कम। तो ये आपको एक डायग्राम बनाना है, ये कंबाइंड रेडियल वेव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किस सेल का, एल सेल का, के एन। इट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ के एन एल सेल एन 2s और 2p ऑर्बिटल। तो 1s को बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए बना के दिखाया है कि उसके अंदर पेनिट्रेट करके जो हम पाता है वो अंदर दिखाते हैं। ऐसा ही 3s 3p या 3d का हो सकता है, इसलिए 3s की एनर्जी कम होगी ड्यू टू वो हम्प होंगे, वो न्यूक्लियस के क्या आएंगे, पास में आएंगे। तो ये आपको लिखना था फाइनली। तो ये हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन याद रखना बच्चे, जो साई वाले जो ये हैं यहाँ पर, These graphs are not important, क्योंकि यहां से हमें information नहीं मिलती, हमें यहां से केवल size का पता चलता है कि distance पे, किस distance पे साई की क्या value है। उस साई की value मिलने से ही हम operator लगाते थे और उन operator से ही सारी information निकालते थे। अब साई पता चला तभी तो हमने साई square निकाला, और साई square यानी कि radial probability density निकली हमारे पास probability, तो हमने क्या निकाला, radial probability density निकाल। तो ये जरूरी था, अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते ग्राफ, ये ग्राफ अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इनसे हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है इस वे में। तो यहाँ पे था, तो आपको केवल बता चलेगा कि किस पे साई की वैल्यू जीरो होगी डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, जीरो। और ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनकी पीक पहले ज़्यादा होती है, इनकी पीक बाद में ज़्यादा हो जाती, क्यों, क्योंकि वहाँ पे साई कम लेकिन आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती, तो ओवरऑल ऐसा आएगा। तो जो भी ग्राफ आपको बनाने के लिए आ जाए उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नोट्स लिख लेनी है, और याद रखना केवल 1s 2s न्यूक्साई न्यूक्लियस के पास से ऊपर से स्टार्ट होगा, बाकी क्या होंगे, हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करोगे, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है हमारे पास, साई की वैल्यू जीरो, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इस वजह से हमारे पास था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।